हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल आज आपको मॉक टेस्ट बताऊंगा, जो तीसरे नंबर का मॉक टेस्ट है। इससे पहले दो मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसे करना मत भूलिएगा। और 68,500 के जितने भी टॉपिक हैं करंट अफेयर के और सामान्य ज्ञान के, उनसे सभी से प्रश्न लिए जाते हैं 30। तो कल के मॉक टेस्ट में काफ़ी लोगों ने अच्छा किया, चलिए देखते हैं किसने कितने अंक गेन किए। तो विनय दीक्षित ने कल के मॉक टेस्ट में काफ़ी अच्छा प्रयास किया, 29 नंबर गेन किए। कुशल ने 20, अरुण कुमार द्विवेदी ने 25, शिखा सिंह ने 26 और शिवानंद शर्मा ने 25 नंबर गेन किए हैं। और संतोष कुशवाहा ने 28, काफ़ी इनका अच्छा प्रयास रहा है। और भी दो तीन लोगों ने काफ़ी अच्छे नंबर गेन किए हैं। सत्यम यादव ने 22, ओमित त्रिपाठी ने 23, तो शिवम पांडे ने 27 सबसे पहले इनका जवाब आया था। मोहम्मद जुनैद ने 27, काफ़ी अच्छा प्रयास है। यही प्रयास आप परीक्षा में बनाए रखिएगा। अगर आप यहाँ पे 27 सही कर रहे हैं तो वहाँ पे कम से कम 23-24 तो सही कर लेंगे। अनुज कुमार ने 21 सही किए हैं, काफ़ी अच्छा प्रयास है। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष किस वर्ष को घोषित किया। पेन और पेंसिल उठा लीजिए, पेपर उठा लीजिए और लिखना चालू कीजिए और देखिएगा आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अगले आने वाले टेस्ट में नाम बताऊंगा किसने सबसे ज़्यादा अंक गेन किए। तो बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष किस वर्ष को घोषित किया। और इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आंसर लेने के लिए आपको मेरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो इसका जवाब होगा 2017। 2017 को जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किसान संपदा योजना कहाँ से प्रारंभ हुई। किसान संपदा योजना कहाँ से प्रारंभ हुई बताइए। अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आप ज़रूर कर लेंगे 20 से ज़्यादा प्रश्न। तो बताइए, किसान संपदा योजना कहाँ से प्रारंभ हुई। तो आपको पता होगा ये धेमाजी जिला असम। किसान संपदा योजना अगर पूछे तो आप इतना ही लिख सकते हैं, असम से प्रारंभ हुई, तब भी आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपने मेरे करंट अफेयर के वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नियुक्तियां और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान सब कंप्लीट हो चुका है। लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और इस टेस्ट की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो अब तीसरा प्रश्न बताइए, साबरमती आश्रम की स्थापना के 17 जून 2017 को कितने वर्ष पूरे हो गए। बताइए कितने वर्ष पूरे हो गए, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न आपको मेरे वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चनों को वीडियो में समावेश नहीं किया जा सकता ना। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा, कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये हो गए हैं 100 वर्ष। 100 वर्ष जो है पूरे हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी के अंतर्गत कितनी स्लैब हैं। स्लैब मतलब कितने प्रकार के कर लगाए जाते हैं जीएसटी के अंतर्गत। तो जल्दी से बताइए कितने कर लगाए जाते हैं, कितने टाइप के कर लगाए जाते हैं, कितनी स्लैब्स हैं। तो आपको, आपने पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, ये हैं 4 टाइप की स्लैब्स। पहला कर 5%, दूसरा कर 12%, तीसरा कर 18% और चौथा कर 28%। जीएसटी जो लागू हुआ था अपने देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, सबसे पहला जो राज्य था वो था असम। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सभी प्रकार के कुपोषण को दूर करने का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए रखा गया। मतलब किस वर्ष तक सभी प्रकार के कुपोषण को दूर करना रखा गया है। तो वही बता रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो देखे होंगे आप तो ज़रूर 20+ सही करेंगे। और ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपने कितने प्रश्न सही किए। तो जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा, लिख लिया होगा अब तक आपने इसका जवाब, ये है 2030। 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषणों को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, ये है
लिख लिया होगा अब तक आपने, गोरखपुर, गोरखपुर है, गोरखपुर, गोरखपुर। अगला प्रश्न है, लज्जा किसकी पुस्तक है? लज्जा किसकी पुस्तक है, जल्दी से बताइए आप, लज्जा किसकी पुस्तक है? अगर आपने मेरा भारतीय कला एवं संस्कृति का वीडियो देखा होगा तो आपको उसमें ये प्रश्न जरूर मिलेगा, लज्जा किसकी पुस्तक है? ये है, आपने अब तक जवाब दे दिया होगा, तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा, तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन ने लिखा है लज्जा को। अगला प्रश्न है, 3D प्रिंटिंग तकनीकी द्वारा बनाया गया पहला उपग्रह कौन है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। तो आपने अब तक इसका आंसर लिख लिया होगा, यह है कलाम सेट, कलाम सेट, कलाम सेट है उपग्रह, वो 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सुपर क्लस्टर कहाँ स्थित है? सरस्वती सुपर क्लस्टर कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, और हल्के में मत लीजिएगा किसी भी प्रश्न को, क्योंकि बहुत ही चुनिंदा प्रश्न मैंने लिए हैं सभी आज तक के मॉक टेस्ट में, हो सकता है उसी में से आपको बहुत से प्रश्न मिल जाए। तो बताइए सरस्वती सुपर क्लस्टर कहाँ स्थित है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अगर आपने अपने से खुद पढ़ा होगा या अपने द्वारा कुछ पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। तो सरस्वती सुपर क्लस्टर मीन तारा मंडल में स्थित है, मीन तारा मंडल, तारा मंडल, तारा मंडल में स्थित है। अगर आप PDF से करना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, फिर उसके बाद आंसर वीडियो से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, PSLV द्वारा अब तक भारतीय उपग्रह कितने हैं जो भेजे गए हैं अंतरिक्ष में? अब तक भारतीय उपग्रह PSLV द्वारा अब तक भारतीय उपग्रहों की संख्या कितनी है जो अंतरिक्ष में भेजे गए हैं? ये छूट गया है, जो अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, जो अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, इतना काफ़ी है, बाकी PDF में इसे सही कर दूंगा। PSLV द्वारा अब तक भारतीय कितने उपग्रह भेजे गए हैं, बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो ये होगा 48, 48 जो है उपग्रह वो भेजे गए हैं। और जैसे है तो मॉक टेस्ट करते हैं उसके बाद जो कमेंट करते हैं सही नंबरों का कमेंट किया करिए, क्योंकि हमारा कुछ नहीं जाएगा ना, आप जैसा बताएंगे हम तो बता देंगे आपको आपका नाम कि आपने अच्छा गेन किया, लेकिन ईमानदारी होती है, एक ईमानदारी के साथ कमेंट करिए कि आपने कितने सही किए, तब आपको अच्छा लगेगा। और चलिए देखते हैं, छोड़िए सब बातों को। अगला प्रश्न है, संप्रति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? संप्रति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, संप्रति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? आपने अब तक इसका जवाब लिख लिया होगा, ये है इंडिया, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्ला, बांग्लादेश के मध्य होता है। अगला प्रश्न, नौशाद सम्मान 2017 किसे प्रदान किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, नौशाद सम्मान 2017 किसे प्रदान किया गया? बहुत ही फेमस हैं उनको दिया गया है, ये हैं हेमा मालिनी जी, हेमा मालिनी, मालिनी, हेमा मालिनी जी हैं, उनको नौशाद सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड 2017 किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया है आपके बहुत ही चहेते अभिनेता को, नाम बताइए उसका, मैंने हिंट दे दिया है, बाकी परीक्षा में कोई हिंट नहीं मिलेगा, जल्दी से बताइए, ब्रिटिश संसद में ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड 2017 किसे प्रदान किया गया? तो अब तक आपने इसका जवाब लिख लिया होगा अगर आपने मेरे पुरस्कार वाला पार्ट देखे होंगे वीडियो का, ये हैं सलमान खान। अगला प्रश्न है, देश के पहले गौ अभ्यारण्य का नाम बताइए? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में मिले इससे संबंधित कोई प्रश्न, जल्दी से बताइए, पहले गौर अभ्यारण्य का नाम बताइए। तो सबसे पहले देश का पहला गौर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में खोला गया, इसका जो नाम है वो है कामधेनु गौ अभ्यारण्य, कामधेनु, कामधेनु
गौ अभ्यारण्य। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को की नई महानिदेशक कौन है? यूनेस्को की नई महानिदेशक कौन है? अगर नियुक्तियों वाला वीडियो देखा होगा तो आप ज़रूर कर लेंगे इसे। मेरा वीडियो है एक नियुक्तियों वाला, मैंने बनाया, आप उसे देख सकते हैं। बताइए यूनेस्को की नई महानिदेशक कौन है? तो अब तक आपने इसका जवाब लिख लिया होगा, आंद्रे अजोली। आंद्रे अजोली लिखेंगे या एजोली लिखेंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, एजोली या एजोली लिख लेंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश का प्रोनंसिएशन लाखों भाषाओं में होता है, लाखों तरीके से होता है। अगला प्रश्न है, राजरानी मंदिर किस राज्य में है? ये भारतीय एवं कला संस्कृति के पाठ से लिया गया है, मेरे वीडियो में है ये। राजरानी मंदिर किस राज्य में है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये है उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाकिर हुसैन जी, अब तक आपने लिख लिया होगा, तबला, तबला बजाते हैं, तबला। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ है? चार मीनार कहाँ है? तो बताइए जल्दी से इसका जवाब, चार मीनार कहाँ है? चार मीनार है, आपको पता होगा तो आपने लिख लिया होगा, हैदराबाद में, हैदराबाद में, हैदराबाद, हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वाधिक दोहरे शतक किस भारतीय क्रिकेटर ने लगाए हैं? प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वाधिक दोहरे शतक किस भारतीय क्रिकेटर ने लगाए हैं? बताइए इसका जवाब क्या होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और एक खेल कूद से संबंधित मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे लेकिन काफ़ी अच्छे प्रश्न होंगे। बताइए इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब होगा चेतेश्वर पुजारा, चेतेश्वर पुजारा, पुजारा जी, पुजारा हैं भारतीय टीम के बल्लेबाज। अगला प्रश्न है, यूएसए ओपन ग्रैंड स्लैम 2017 का पुरुष एकल खिताब किस व्यक्ति ने जीता है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, और इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में मिलेंगे। तो बताइए यूएसए ओपन ग्रैंड स्लैम 2017 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये टेनिस से संबंधित है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। अगर आपको पता होगा तो अब तक आपने इसका जवाब दे दिया होगा, ये है राफेल नडाल, राफेल नडाल है, राफेल नडाल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? कहाँ होंगे जल्दी से बताइए, वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो अब तक आपने इसका उत्तर लिख लिया होगा, अगर आपको आता होगा, ये होंगे पेरिस, पेरिस में, पेरिस फ्रांस में होंगे, पेरिस फ्रांस। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किस भारतीय महिला ने जीता? किस भारतीय महिला ने जीता? बताइए, काफ़ी अच्छा सा प्रश्न है, और इन्होंने अभी जो हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम, उसमें स्वर्ण पदक जीता है, पहला स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। इतना क्लू काफ़ी होगा आपके लिए, ये है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है, भातभूत बांध परियोजना किस राज्य में है? तो बताइए, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, ये आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम में मिल जाएगा, भातभूत बांध परियोजना किस राज्य में है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, तो बताइए, अब तक आपने इसका जवाब लिख लिया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, यह गुजरात, गुजरात, गुजरात राज्य में है, भरूच जिले में। अगला प्रश्न है, नियंत्रक तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम बताइए, जो इस समय है अपने भारत के, इंग्लिश में कैग, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं,
तो बताइए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या नाम है? ये है राजीव महर्ष, राजीव राजीव महर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 25 सॉरी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, स्वामी। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का नृत्य है? कथक किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, इंडिया आफ्टर गांधी किसकी पुस्तक है? इंडिया आफ्टर गांधी किसकी पुस्तक है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, और बताइए क्या होगा इसका जवाब? इंडिया आफ्टर गांधी किसकी पुस्तक है? आपने पढ़ा होगा तो अब तक आपने इसका जवाब दे दिया होगा, रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा जी की है, इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मानसरोवर कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना होगी? अगर आपने आज का मेरा उत्तर प्रदेश का वीडियो देखा होगा करंट अफेयर का, तो आपको ज़रूर पता होगा। तो इसकी स्थापना कहाँ होगी, जल्दी से इसका जवाब बताइए। तो इसका जवाब होगा, लिख लिया होगा अब तक आपने, गाजियाबाद, गाजियाबाद में जो है मानसरोवर भवन की स्थापना होगी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का क्या नाम है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष बताइए आप। काफ़ी अच्छा सा प्रश्न है, तो अब तक आपने लिख लिया होगा राजीव कुमार जी हैं, राजीव कुमार जी, राजीव कुमार हैं उपाध्यक्ष। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है और सबकी जुबान पर रटा था, जब 500 और 1000 के नोट एटीएम की लाइन में या बैंकों की लाइन में खड़े होकर निकाल रहे थे, बदल रहे थे। तो बताइए विमुद्रीकरण की प्रक्रिया कब हुई भारत में? कब हुई भारत में? डेट बताएंगे और सन भी बताएंगे, और बताइए आप कब हुई थी? ये हुई थी 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फिर अपना आराम से कर सकते हैं। आंसर लेने के लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।